देहरादून में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चल रहा है, हमारे साथ बात करने के लिए जजेंट्री एक्ट्रेस दीप्ति नवाल हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चल रहा है, क्या लगता है छोटे से शहरों में एक तरह से शुरुआत की गई है तो फिल्म इंडस्ट्री के लिए कितना ख़ास रहने वाला है? बहुत अच्छा कदम है ये जो शुरुआत हुई है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इस तरह का छोटे शहरों में और भी ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज पीपल डोंट गेट दैट एक्सपोजर, मिलता नहीं है उनको, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि अलग अलग तरह की फिल्में देखें, और जो पॉपुलर हैं, जो चलती हैं छोटे शहरों में, वही देख के उनको, उनके हिस्से में वही आता है जो पॉपुलर होता है। बट हट के जो फिल्में हैं थोड़ी, जो कि थोड़ी सी एक डिसर्निंग ऑडियंस के लिए है, वो उनको देखने का मौका फिल्म फेस्टिवल्स में मिलता है। So I think it's very good that they get an exposure with a film like Goldfish, जो हमारी फिल्म है जो कि हम लेकर के आए हैं यहाँ, और मैं उम्मीद रखती हूँ कि लोगों को वो पसंद आएगी। जितना कि वो कमर्शियल सिनेमा को लाइक करते हैं, उनको ये पहलू जो है ज़िंदगी का वो भी समझ में आएगा और वो पसंद करेंगे, क्योंकि ये बहुत रेलिवेंट फिल्म है। मैम, अंगूर, उसके बाद आपकी और जो फिल्में हैं जो एक लेजेंडरी फिल्म्स हैं कॉमेडी के इतिहास से भी और वैसे भी, आज के समय की जो फिल्में बन रही हैं आप उसको काफ़ी करीब से देख रही हैं, क्या लगता है कि पहले की इंडस्ट्री और आज की इंडस्ट्री में कितना फ़र्क आया है? वो एक अपना दौर है, वो अलग दौर था, तो हर एवरी 10 ईयर्स थिंग्स चेंज, सिनेमा चेंजेस, हीरोज बदल जाते हैं, कोई कुछ और चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो इट्स अ फेज। तो ये दौर जो है, ये इसकी अपनी अच्छाइयाँ हैं, और हमारे दौर में अलग था, और हमारे से पहले तो बहुत ही बढ़िया दौर था जो ब्लैक एंड वाइट सिनेमा था, तो कहाँ तक, मतलब यू हैव टू जस्ट गो विद द टाइम्स। हमारे साथ बात करने के लिए दीप्ति नवल थी, जिनका कहना है कि छोटे शहरों में जो फिल्म फेस्टिवल्स लगाए जा रहे हैं और हो रहे हैं वो काफ़ी ज़रूरी हैं, उससे जो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री है उससे जुड़ने का मौका यहाँ के लोगों को भी मिल पाएगा। दानिश खान, एबीपी लाइव, देहरादून।